Daily Canadian News Bulletin in Hindi and Urdu, only at TAC TV. मैं हूं कौकब फारूकी, सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। सराय चोलिस्तान से दो भारतीय शहरियों को गिरफ्तार कर लिया गया। भारतीय शहरी गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में दाखिल हुए थे। कनाडा के वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो अपनी नई काबीना की तश्कील के लिए मसरूफ। सियासी रहनुमाओं ने सूरत हाल को ट्रूडो के लिए मुश्किल करार दे दिया। नॉर्थ यॉर्क के करीब इमारत में आतिशबाजी, सैकड़ों अफराद के लिए आरजी पनागाह कायम कर दी गई। कैनेडियन रेड क्रॉस मुतासरीन की मदद में मसरूफ। कनाडा की मगरबी अलैदगी पसंद जमात की जानिब से ऐलान किया गया है कि वो अपने उम्मीदवारों को न सिर्फ वफाकी बल्कि सूबाई सतह पर भी मैदान में लाएगी। टोरंटो में 115वीं सांता क्लॉज परेड, हजारों अफराद की शिरकत। मार्च में 34 फ्लूट और 20 से जायद मार्चिंग बैंड्स ने भी शिरकत की। टोरंटो में शदीद सर्दी का मौसम जारी है। महकमे मौसमियात ने हल्की बर्फबारी की पेशगोई कर दी। बाबरी मस्जिद केस, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड एक मरतबा फिर मैदान में आ गया, अपना फैसला सुना दिया। बोर्ड ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तनाजुर में मस्जिद के लिए 5 एकड़ मुतबादिल जमीन ना ही बराबरी कायम कर सकती है और ना ही नुकसान का अजाला कर सकती है। ईरान में पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के खिलाफ एहतजाज के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेज की फायरिंग से 36 अफराद हलाक हो गए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कत्ल और जंगी जराइम के इल्जाम में कैद चंद साबिक अमरीकी फौजियों की सजा को माफ कर दिया, जिस पर माहिरीन ने उन्हें तनकीद का निशाना बनाया है। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। Are you concerned about your future? We invite you to consider Option Canada. I'm a former Canadian Immigration Officer and a Senior Case Analyst, and I've served the Canadian government for 16 years. I provide accurate assessment on every case, and I'll be happy to assist you in making Canada your home. For the past 26 years, we have assisted professionals, business people, senior managers, and the self-employed worldwide to relocate to Canada. We can help you and loved ones back home live the Canadian dream. Do it once. Do it right. स्वामी काशी गुरु जी का कहना है कि वो आपकी तमाम समस्याओं का हल जानते हैं। स्वामी काशी गुरु जी इज अ स्पेशलिस्ट इन ब्रिंगिंग बैक योर लव्ड वंस। ही इज स्पेशलाइज्ड टू सॉर्ट आउट जनरेशन कर्सेस एंड एनी प्रॉब्लम विद इन 48 आवर्स। आपके डिप्रेशन, फैमिली कोर्ट प्रॉब्लम्स और बेशुमार मसाइल के हल का दावा करते हैं। स्वामी काशी गुरु जी से राब्ता कीजिए 6477656311 6477656311 एड्रेस 565 मार्कम रोड स्कारब्रो। आगे बढ़ेंगे, मजीद खबर शामिल कर लेते हैं। आपको बताएं, तर्जुमान डिस्ट्रिक्ट पुलिस भावलपुर का कहना है कि गैर मुल्की बाशिंदों की इतला की मौजूदगी पर कार्रवाई करते हुए दो भारतीय बाशिंदों को गिरफ्तार किया गया। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। सराय चौलिस्तान से दो भारतीय शहरियों को गिरफ्तार कर लिया गया। तर्जुमान डिस्ट्रिक्ट पुलिस भावलपुर का कहना है कि गैर मुल्की बाशिंदों की इतला की मौजूदगी पर कार्रवाई करते हुए दो भारतीय बाशिंदों को गिरफ्तार किया गया। तर्जुमान के मुताबिक भारतीय शहरी गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में दाखिल हुए थे। पुलिस के मुताबिक पुलिस ने भारतीय बाशिंदों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। तर्जुमान डिस्ट्रिक्ट पुलिस के मुताबिक प्रशांत और दरीलाल का ताल्लुक भारतीय रियासत मध्य प्रदेश और हैदराबाद शहर से है। एक भारतीय शहरी सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। कनाडा से खबर शामिल कर लेते हैं। आपको बताएं, कनाडा के वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो अपनी नई काबीना की तश्कील के लिए कोशिशें कर रहे हैं, जिसके लिए उनके चंद एमपीज को हाई प्रोफाइल ओहदों से दूर और पार्लियामेंट में गैर मुतनाज़ा किरदार अदा करना होगा। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में।
कनाडा के वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो अपनी नई काबीना की तश्कील के लिए कोशिशें कर रहे हैं, जिसके लिए उनके चंद एमपीज को हाई प्रोफाइल ओहदों से दूर और पार्लियामेंट में गैर मुतनाज़ किरदार अदा करना होगा। सियासी रहनुमाओं के मुताबिक इक्तदार में रहने और अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए सारी सूरत हाल लिबरल्स के लिए इंतहाई मुश्किल है। कैनेडियन मीडिया के मुताबिक हिल और नॉल्टन के नायब सदर और लिबरल के दरीना साथी केविन बोश, जो के पार्लिमानी उमूर के माहिर समझे जाते हैं, उनका कहना है कि अखिलती हुकूमत में हुकूमत के हाउस लीडर और कमेटी के सरबराहन के लिए अपनी जिम्मेदारियों को पूरी करना अब वैसा नहीं होगा जैसा अक्सरियती हुकूमत में था। बोश कहते हैं कि अगर माजी के मामलात पर नजर डालें तो अखिलती हुकूमत चलाने में काफी मदद मिल सकती है, जबकि अखिलती हुकूमत चलाने के लिए ट्रूडो को दो जबानों पर उबूर रखने और मजबूत गुफ्तगुशनीद करने वाले हाउस लीडर की जरूरत होगी। लिबरल एमपी एंथोनी हाउस फादर का कहना था कि अखिलती हुकूमत में अगर ओपोजिशन किसी बिल में तरमीम करना चाहेगी तो अक्सरियत को उसे सुनने की जरूरत तक नहीं पेश आएगी। वाज़ेह रहे कि ट्रूडो 5 दिसंबर से अपनी नई काबीना का आगाज करने जा रहे हैं। टोरंटो से खबर शामिल करेंगे। आपको बताएं, टोरंटो की शहरी हुकूमत के ओहदेदारों का कहना है कि नॉर्थ यॉर्क में अपार्टमेंट में आग लगने के बाद बेघर होने वाले सैकड़ों अफराद के लिए कायम एक हंगामी पनागाह बनाई गई है, जिन्हें करीबी यूनिवर्सिटी में मुंतकिल कर दिया गया है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। टोरंटो की शहरी हुकूमत के अहदेदारों का कहना है कि नॉर्थ यॉर्क में अपार्टमेंट में आग लगने के बाद बेघर होने वाले सैकड़ों अफराद के लिए कायम एक हंगामी पनागाह बनाई गई है, जिन्हें करीबी यूनिवर्सिटी में मुंतकिल कर दिया गया है। उनका कहना है कि यॉर्क यूनिवर्सिटी की जानिब से मुतासरीन को टेट मैकेंजी एथलीट सेंटर में रखने की पेशकश की गई है और कैनेडियन रेड क्रॉस खाने, कम्बलों, जाती हिफ्जान सेहत से मुतालिक अशिया और पालतू जानवरों की देखभाल फराहम कर रहा है। शहरी हुकूमत की जानिब से कहा गया है कि हम उन तमाम अफराद का शुक्रिया अदा करते हैं जो उन अफराद की मदद कर रहे हैं। शहरी हुकूमत के तर्जुमान ब्रॉड रॉस का कहना है कि शदीद सर्दी में अपने फराइज अंजाम देने वाले, जिनमें यॉर्क यूनिवर्सिटी इंतजामिया TTC जो मुतासरीन की मुंतकली में मदद कर रही है और दीगर अफराद का जज्बा काबिले सताइश है। कैनेडियन रेड क्रॉस की जानिब से मुतासरीन को रजिस्टर्ड कराने का कहा गया है, जबकि 165 के करीब अफराद ने उनके पास दस्तखत किए हैं। वाज़ेह रहे कि ग्रोसफोर्ड पर वाकई बुलंद इमारत में आतिजदगी के सबब एक शख्स जान बहक हो गया था, जबकि कई सौ अफराद बेघर हो गए हैं। कुछ बात कर लेते हैं। वैक्सिट पार्टी के सरबराह पीटर डाउनिंग का कहना है कि विफाक में वेस्टगेट कनाडा के नाम से उनके उम्मीदवार काम करेंगे, जबकि सूबों में ब्रिटिश कोलंबिया, सस्केचुआन, मैनिटोबा और अल्बर्टा में उनके उम्मीदवार सूबों में एलर्गी के हवाले से रेफरेंडम कराएंगे। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा की मगरबी अलैदगी पसंद जमात की जानिब से ऐलान किया गया है कि वो अपने उम्मीदवारों को न सिर्फ वफाकी बल्कि सूबाई सतह पर भी मैदान में लाएगी। वेस्टगेट पार्टी के सरबराह पीटर डाउनिंग का कहना है कि विफाक में वेस्टगेट कनाडा के नाम से उनके उम्मीदवार काम करेंगे, जबकि सूबों में ब्रिटिश कोलंबिया, सस्केचुआन, मिनीटूबा और अल्बर्टा में उनके उम्मीदवार सूबों में अलैदगी के हवाले से रेफरेंडम कराएंगे। उनका कहना था कि एस्टैब्लिशमेंट हमसे खौफजदा है, जब मगरबी कनाडा अपने हुकूक के लिए खड़ा हो गया है और अब उन्हें धकेला नहीं जा सकता। उनका कहना था कि ये कोई सफेद फार्म, बालादस्ती, मजहबी रेस जैसा कुछ भी नहीं है, ये सब हम बरादरी के हुकूक के लिए कर रहे हैं। इलेक्शन कनाडा की जानिब से तस्दीक की गई है कि उन्हें वेस्टगेट की जानिब से विफाक में जमात की मंजूरी की दरख्वास्त मौसूल हुई है। और कुछ बात कर लेते हैं। क्रिसमस की आमद के साथ ही GTA भर में हर जानिब क्रिसमस की सरगर्मियां देखने में आ रही हैं। टोरंटो में 115वीं सांता क्लॉस परेड देखने के लिए हजारों अफराद जमा हुए। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। टोरंटो में 115वीं सांता क्लॉस परेड देखने के लिए हजारों अफराद जमा हुए। हालिया परेड का रूट गुज़िश्ता सालों से मुख्तलिफ रखा गया था, जबकि टोरंटो के मेयर जॉन टोरी ने क्रिसमस की मुनासबत से सूट ज़िबतन किया हुआ था। उनका कहना था कि हम सबको मिलकर इस दिन को मनाना चाहिए। क्रिसमस की आमद के साथ ही क्रिसमस तकरीबात में इजाफा हो गया है और GTA भर में हर जानिब क्रिसमस की सरगर्मियाँ देखने में आ रही हैं। सर्द मौसम के बावजूद टोरंटो के शहरियों ने सांता क्लॉस 115वीं सालाना मार्च में भरपूर शिरकत की और शहर को शहर की सड़कों पर नजर आया। मार्च में 34 फ्लूट और 20 से ज्यादा मार्चिंग बैंड्स ने भी शिरकत की, जबकि मौसीकारों ने परेड का मजा दोबाला कर दिया। टोरंटो में शदीद सर्दी का मौसम जारी है, जबकि गुज़िश्ता हफ्ते के मुकाबले में सर्दी में मामूली सी कमी वाकई हुई है। महकमे मौसमियात के मुताबिक शहर में चलने वाली हवाओं की रफ्तार 15 किलोमीटर/घंटा है। दर्जा हरारत -3 तक जा सकता है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। टोरंटो में शदीद सर्दी का मौसम जारी है, ताहम गुज़िश्ता हफ्ते के मुकाबले में सर्दी में मामूली सी कमी वाकई हुई है। महकमे मौसमियात की जानिब से शहर और गिर्दोनवाह में हल्की बर्फबारी की पेशगोई की गई है, जबकि 2 सेंटीमीटर तक बर्फ पड़ने का इम्कान है। शहर में चलने वाली हवाओं की रफ्तार 15 किलोमीटर/घंटा है। दर्ज हरारत -3 तक जा सकता है।
कुछ बात कर लेते हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड AIMPLB ने बाबरी मस्जिद के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नज़रसानी दरख्वास्त दायर करने की हिमायत और मस्जिद के लिए मुतबादल जमीन कबूल करने की मुखालफत कर दी। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड AIMPLB ने बाबरी मस्जिद के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नज़रसानी दरख्वास्त दायर करने की हिमायत और मस्जिद के लिए मुतबादल जमीन कबूल करने की मुखालफत कर दी। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक AIMPLB के सेक्रेटरी जफरयाब जिलानी ने लखनऊ में बोर्ड के इजलास के बाद मीडिया को बताया कि मस्जिद की जमीन अल्लाह की है और शरीयत के मुताबिक ये जमीन किसी को नहीं दी जा सकती। उन्होंने बताया कि बोर्ड ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि वो मस्जिद के लिए अयोध्या में 5 एकड़ जमीन लेने के मुखालिफ हैं और बोर्ड का ख्याल है कि मस्जिद का कोई मुतबादल नहीं हो सकता। जफरयाब जिलानी ने कहा कि 23 दिसंबर 1949 की रात को बाबरी मस्जिद के अंदर राम का मुजस्मा नस्ब करना गैर आइनी था तो सुप्रीम कोर्ट उसे कैसे अरादिया इबादत के काबिल करार दे सकती है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तनाजुर में मस्जिद के लिए 5 एकड़ मुतबादल जमीन न ही बराबरी कायम कर सकती है और न ही नुकसान का अजाला कर सकती है, इसलिए हम उसे मुस्तरद करते हैं। बोर्ड के मुताबिक सुन्नी वक्फ बोर्ड को बरादरी के बड़े हिस्से के नुक्ते नजर का एहतराम करना चाहिए। कबल अजां जमीयत उलमा इस्लाम हिंद ने सुप्रीम कोर्ट की बाबरी मस्जिद केस के फैसले के खिलाफ नज़रसानी दरख्वास्त दायर करने का फैसला किया था। जमीयत उलमा हिंद के सरबराह मौलाना अरशद मदनी का कहना था कि उन्होंने ये फैसला वुकला और माहिरीन से तवील मुशावरत के बाद किया है। आगे बढ़ेंगे, खबर शामिल कर लेते हैं। आपको बताएं, गैर मुल्की खबरसा इदारों के मुताबिक ईरान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 50% तक इजाफा कर दिया गया है। दारुल हुकूमत तेहरान से शुरू होने वाला यह एहतजाज अब मुख्तलिफ शहरों और कस्बात तक जा पहुंचा है। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। ईरान में पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के खिलाफ एहतजाज के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेज की फायरिंग से 36 अफराद हलाक हो गए। गैर मुल्की खबरसा इदारों के मुताबिक ईरान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 50% तक इजाफा कर दिया गया है। महंगाई के खिलाफ आवाम सड़कों पर निकल आए और शदीद एहतजाज किया। दारुल हुकूमत तेहरान से शुरू होने वाला यह एहतजाज अब मुख्तलिफ शहरों कस्बात तक जा पहुंचा है। मुतअद्दिद मकामात पर पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान झड़पें हुई और सिक्योरिटी अहलकारों ने एहतजाज को सख्ती से कुचलने की कोशिश की। फोर्सेज ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए बराह रास्त फायरिंग की और आंसू गैस का इस्तेमाल किया, जिसके नतीजे में 4 रोज के दौरान 36 अफराद हलाक हो चुके हैं और दर्जनों जख्मी हो चुके हैं। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 40 से ज्यादा अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनेई ने पेट्रोल महंगा करने की हिमायत करते हुए एहतजाज करने वालों को गैर मुल्की आलाकार करार दिया है। वाज़ेह रहे कि ईरानी मईशत माली बहरान का शिकार है और हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत 10,000 रियाल फी लीटर से बढ़ाकर 15,000 रियाल फी लीटर करने के साथ उसकी राशन बंदी भी कर दी है। इस कीमत पर हर निजी कार को 1 माह में सिर्फ 60 लीटर पेट्रोल मिलेगा, उससे ज्यादा पेट्रोल खरीदने पर कीमत 30,000 रियाल फी लीटर होगी। और कुछ बात करेंगे, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कत्ल और जंगी जराइम के इल्जाम में कैद चंद साबिक अमरीकी फौजियों की सजा को माफ कर दिया, जिस पर माहिरीन ने उन्हें तनकीद का निशाना बनाते हुए इस इकदाम को कानून की अलमदारी की तौहीन करार दे दिया है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कत्ल और जंगी जराइम के इल्जाम में कैद चंद साबिक अमरीकी फौजियों की सजा को माफ कर दिया है, जिस पर माहिरीन ने उन्हें तनकीद का निशाना बनाते हुए इस इकदाम को कानून की अलमदारी की तौहीन करार दे दिया है। तफसीलात के मुताबिक अमरीकी फौज के फर्स्ट लेफ्टिनेंट क्लिंट लॉरेंस ने 2012 में अफगानिस्तान में 3 गैर मुसल्लह अफगान शहरियों पर फायरिंग का हुक्म दिया था, जिसके नतीजे में 2 शहरी हलाक हो गए थे। इस जुर्म में उन्हें 19 साल की सजा दी गई थी, जिसमें से वो 6 साल की सजा काट चुके थे। तहम अब डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सदारती इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए उनकी सजा खत्म कर दी है। व्हाइट हाउस की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि अमरीकी आवाम ने क्लिंट लॉरेंस को माफ करने की दरख्वास्त की थी और 1,24,000 अफराद ने एक पिटिशन पर दस्तखत करके व्हाइट हाउस को भेजा था, जबकि कांग्रेस के मुतअद्दिद अरकीन ने भी उन्हें माफ करने की दरख्वास्त की थी। इसी के साथ ही टैक टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टैक टीवी। डेली कनेडियन न्यूज बुलेटिन इन हिंदी एंड उर्दू ओनली एट टैक टीवी।